तेज खबर पैनी नजर। कैथल में करोड़ों के सफाई घोटाले में बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर। पंचायती विभाग में जय जसबीर सिंह को किया गया सस्पेंड। पंचायती विभाग के डायरेक्टर जनरल ने जारी किए आदेश। पंचायती विभाग के जेई जसबीर को सस्पेंड किया गया है। बिना काम करवाए करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप। पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने उठाया था मुद्दा। बीजेपी विधायक लीला राम ने भी लगाए थे आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की कैथल से। सीएम को शिकायत भेजकर घोटाले के लगाए गए थे आरोप और पंचायती विभाग के डायरेक्टर जनरल ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें बिना काम करवाए करोड़ों रुपए का घोटाला करने के मामले में पंचायती राज विभाग की जेई को सस्पेंड किया गया है। पंचायती विभाग में जेई जसबीर सिंह को किया गया सस्पेंड। पंचायती विभाग के डायरेक्टर जनरल ने आदेश किए हैं जारी। पूर्व संसदीय सचिव ने उठाया था इस मुद्दे को और कैथल के विधायक लीला राम गुर्जर ने भी इस मामले में गंभीर आरोप लगाए थे। सीएम तक शिकायत जो है वो की गई थी और जांच हुई। जांच के बाद किया गया ये कड़ा एक्शन। पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने इस मुद्दे को उठाया था। बीजेपी विधायक लीला राम गुर्जर ने भी लगाए थे आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की पंचायती राज विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा ये मामला। ज्यादा जानकारी देंगे जयपाल रसूल, हमारे सहयोगी। जयपाल, जरा बताए कि ये पूरा मामला जो है वो क्या है, कार्रवाई कब जो है अमल में लाई जाएगी और कब से ये जांच शुरू हुई? जी बता दें कि ये कैथल में कुछ महीने पहले एक सफाई घोटाला किया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए के जो आरोप लगाए गए थे। बता दें कि सबसे पहले जो पूर्व संसदीय सचिव है रामपाल माजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, और उसके बाद जैसे ही फील्ड में जाकर जो कैथल के विधायक है लीला राम, उन्होंने भी अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर देखा और उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ भी ऐसा घोटाला हुआ है। यानी कि कुल मिला के मौके के जो मौजूदा विधायक हैं उनके द्वारा, पूर्व संसदीय सचिव द्वारा और तमाम जो पार्टी के नेता उन द्वारा मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था, जिसको लेकर पूरे कैथल में हलचल मची हुई थी। और अब जाकर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें जेई को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि कायनात ये जो सफाई घोटाला है ये सिर्फ छोटे अधिकारियों तक ही कार्रवाई रुकी नहीं रहेगी। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है कि और बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है। जी अभी मामले में जांच जारी है और अभी जेई पर ही गाज गिरी है मतलब। जी बता दें कि जो मौजूदा विधायक है लीला राम, उनके द्वारा जो सीएम के संज्ञान में मामला लाया गया था, उसके बाद जो विजिलेंस इसकी जांच कर रही थी और विजिलेंस की जांच अब भी चल रही है, जिसमें तमाम जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से ले जाया गया है, जिसकी जाँच अभी चल रही है। कितने करोड़ का ये पूरा घोटाला है और अभी तक जो है कौन कौन लोग इस मामले में जांच के घेरे में हैं? बता दें कि ये जो मामला है ये करीब 12 करोड़ के करीब बताया जा रहा है, जिसमें कैथल में ही नहीं बल्कि पूरे कैथल के जितने भी ब्लॉक हैं सभी में सफाई के नाम पर घोटाला ये किया गया था। धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया था, बल्कि बिना कार्य के ही बिल, फर्जी बिल बनाकर इस जो पूरे घटनाक्रम है इसको अंजाम दिया गया था, जिसमें हर गाँव के व्यक्तियों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उठाया था और कई जो मौका के विपक्ष और विपक्ष के पार्टी के नेताओं ने भी उठाया था, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये कई करोड़ों में जाके है और ऐसे कई ऐसे गाँव है जहाँ पर ये काम धरातल पर हुआ भी नहीं और वहां के नाम के लाखों रुपए के जो ग्रांट है वो जारी कर दी गई थी, इसलिए ये बड़ा घोटाला सुर्खियों में चल रहा है कैथल में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंचायती विभाग में ये जो बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ था सफाई के नाम पर, करोड़ों रुपए दिखाए गए कि दिए गए हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ था धरातल पर, और इस मामले को कई नेताओं ने उठाया था, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है वो की गई है। जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि मामले में जांच अभी खत्म नहीं हुई है, ना ही थमी है, बल्कि अभी भी जारी है और अभी कई और लोग, अधिकारी जो हैं इसमें नप सकते हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।